मीनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में चंद ही दिन बाकी हैं। ऐसे में आने वाली 23 जून को ये कपल कोर्ट मैरिज करेगा। हालांकि होने वाली ये शादी कई रीजंस की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सोनाक्षी के मॉम डैड शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा और भाई इस शादी में शामिल नहीं होंगे। ये अटकलें जब से लगनी शुरू हुई जब शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन सामने आया। शादी पर रिएक्शन देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि आजकल के बच्चे अनुमति नहीं मांगते। वही शत्रुघ्न के बेटे लव ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। लव ने कहा था कि उन्हें इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। वेल इसी बीच सोनाक्षी सिन्हा की बैचलर्स पार्टी की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। 6 दिन पहले दोनों ने अपने अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ पार्टी ऑर्गेनाइज की। कहा जा रहा है कि ये इनकी बैचलरेट पार्टी की पिक्चर्स है। जश्न के इनसाइड फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, एक तरफ सिन्हा परिवार ने शादी को लेकर चुप्पी साधी हुई है तो दूसरी तरफ दोनों के वेडिंग कार्ड से लेकर पहला इनविटेशन सलमान खान को देने तक की चर्चाएं हो रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर पार्टी की कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया। उनके दोस्तों में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी नजर आई। बता दें, हुमा सोनाक्षी के काफी क्लोज है, दोनों को अक्सर साथ में भी देखा जाता है, तो ऐसे में इस पार्टी में होना हुमा का बनता भी है। वे दोनों डबल एक्सल में भी साथ में काम कर चुकी हैं और इसमें जहीर इकबाल भी नजर आए थे। एनीवेज, पार्टी की इन फोटोज को देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये बैचलरेट पार्टी की तस्वीरें हैं। इस पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने ब्लैक कलर का शिमरी आउटफिट कैरी किया हुआ है। उनके साथ नजर आ रहे उनके फ्रेंड्स इसी रंग के कपड़ों में नजर आ रही हैं। फैंस का कहना है कि इसे देखकर लग रहा है कि पार्टी का थीम ब्लैक ड्रेस है। बताया जा रहा है कि सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी का पहला इनविटेशन कार्ड सलमान खान को भेजा गया है। सलमान और जहीर इकबाल का काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहां तक कि सलमान की पार्टी में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। वेल, सोनाक्षी के अलावा जहीर इकबाल ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 19 जून को संगीत सेरेमनी होगी और इसके बाद 23 तारीख को दोनों रजिस्टर मैरिज करेंगे और इसी शाम वो शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी भी होस्ट करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहकर सभी को हैरान कर दिया था कि उन्हें अपनी बेटी की शादी के बारे में नहीं पता है और अगर वो इन्वाइट करती है तो आशीर्वाद जरूर देंगे, और इस बयान ने हलचल पैदा कर दी कि क्या सिन्हा परिवार इस शादी से खुश नहीं है। वेल, अभी देखना होगा कि क्या वाकई पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा और उनके बेटे लव इस शादी का हिस्सा बनते हैं या फिर नहीं। वेल, सोनाक्षी की बैचलरेट पार्टी की तस्वीरें आपको कैसी लगी, आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।